हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी सबकी में। मैं हूं अनीस और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं सोनम कपूर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म साल 9 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। इनकी फैमिली की अगर बात करें तो इनकी माँ का नाम सुनीता है और इनके पिता का नाम तो हम जानते हैं सभी, अनिल कपूर है, जो कि एक एक्टर रह चुके हैं। सोनम को एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा पैसे देने होते हैं बॉलीवुड में, तब ये किसी फिल्म में काम करती हैं। इन्होंने सिंगापुर से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से थिएटर एंड आर्ट्स की पढ़ाई की है। इनकी फिल्मी करियर की अगर हम बात करें तो इनकी एंट्री बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हो गई थी। साल 2005 में ब्लैक मूवी आई, जिसको संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर इन्होंने असिस्ट किया। उसके बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया साल 2007 में आई, जिसमें सोनम की पहली एक्टिंग थी और इसी फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू नॉमिनेट किया गया। सावरिया फिल्म के बाद इन्हें 2010 में बड़ी सक्सेस फिल्म आई हेट लव स्टोरी फिल्म से मिली, जिसमें इनका एक्ट लाजवाब था। इसके बाद इन्हें बहुत फेलियर्स देखने पड़े। उसके बाद 2013 में आई फिल्म रांझना बहुत बड़ी हिट रही और सोनम का एक्ट भी कमाल का था। वो फिल्म इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर ये लगातार फिल्में करती रही, चाहे वो खूबसूरत हो या डॉली की डोली। अगर ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो सलमान खान के साथ इन्होंने फिल्म किया प्रेम रतन धन पायो, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और इस फिल्म से इन्हें लोगों का प्यार मिला। सोनम एक्टिंग के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी हैं और ये एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं। तो ये एक सोशल वर्क करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फ्रेंड, ये थी बॉलीवुड की प्रिंसेस सोनम की कहानी। आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो, ऐसे कहानी आपके सामने मैं हमेशा लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।